हेलो स्टूडेंट्स, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और साथ ही साथ दोस्तों आरटी स्टूडेंट्स के लिए तीन बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रहा है। एक एक करके दोस्तों 10 एंड 12 के सभी स्टूडेंट दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। आप लोग के दोस्तों मार्क्स बढ़ने को लेकर और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे पास और फेल को लेकर भी दोस्तों एक बड़ा यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करें आप लोग को दोस्तों इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो है मैंने आप लोग के कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो है ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हुए हैं तो फटाफट जाके जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। सीख हिंदुस्तान आपको जो है टेलीग्राम पे लिखना है। नीचे दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को याद से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे दोस्तों और भी जो है कई सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। अपडेट्स भी दोस्तों जो भी चीजें यहां पर होगी आपके रिजल्ट तक दोस्तों आपको पूरा फुल सपोर्ट यहां पे की जाएगी। तो जल्दी से दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे अपडेट नंबर 1 से, यानी कि दोस्तों यहां पे 20 तारीख को जैसे ही आया आप लोग का दोस्तों रीचेकिंग यहां पे खत्म हुआ। हर एक बच्चों का दोस्तों यहां पे मार्क्स जो है धीरे-धीरे जो है अपडेट होना शुरू हो गया। यानी जिन बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं उनका मार्क्स यहां पे नए मार्क्स आ गए, जिन बच्चों के मार्क्स यहां पे नहीं बढ़े हैं उनके जो है यहां पे नो मिस्टेक लिख रहा है। तो आप सबसे पहले आप लोग ये कमेंट करके बताइए कितने सारे बच्चों के जो है मार्क्स बढ़े हैं और कितने सारे बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़े हैं, यानी कि नहीं वाले कितने हैं और हां वाले कितने हैं। क्योंकि अभी तक जो है मैं यहां पे देख रहा हूं जो बच्चे मुझे यहां पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं या फिर जो आप लोग के यूट्यूब पे जो मैसेजेस आ रहे हैं उन सबको देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं वाले ज्यादा बच्चे। एक बार जो है पहले आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बता दीजिए कितने सारे बच्चे यस वाले हैं और कितने सारे बच्चे नहीं है। उससे पहले आपको बता दूं जिन बच्चों के मार्क्स यहां पे चेंजेस हुए हैं बोर्ड ने दोस्तों कंफर्म कर दिया है उन सभी स्टूडेंट्स का मार्क्सशीट जो है जल्दी आपको दोस्तों यहां पे पूरी कंप्लीट दोस्तों आपको अपडेटेड मार्क्स के साथ जो है आपकी नई मार्क्सशीट आपको जल्दी जल्दी दे दी जाएगी। हम दोस्तों बात करने वाले हैं जिन बच्चों के दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट में नो मिस्टेक यहाँ पे लिख रहा है, यानी कि उनका मार्क्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों यहाँ पे काफी बड़ा दोस्तों इंजस्टिस है। मैं शुरू से ही दोस्तों यहाँ पे आवाज क्यों उठा रहा था आप लोग दोस्तों समझ नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे असली में क्या है आप लोग अब समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपके रिजल्ट में यहाँ पे नो मिस्टेक लिखने का बड़ा कारण क्या हो सकता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो है नो मिस्टेक काफी सारे बच्चों के अंदर दिख रहा है, लेकिन मैं बच्चों के कमेंट देख रहा हूँ तो बच्चे कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा जो है यहाँ पे कॉपी को दोबारा से जो है देखा जाए और उसमें कोई मिस्टेक ना निकले। मैंने इतना पेपर किया था कि मेरे इतने नंबर कम आ ही नहीं सकते, ऐसा काफी सारे बच्चे यहां पे क्लेम कर रहे हैं जिनके दोस्तों यहां पे रिजल्ट में नो मिस्टेक लिखा हुआ है। काफी सारे बच्चों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं तो बच्चों का एक ही शिकायत है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे इतने नंबर जो है कम हो सकते हैं और मैं रीचेकिंग कराऊं फिर भी मेरे कम नंबर हो सकते हैं। उसका बड़ा कारण पहले आप लोग यह देख लीजिए दोस्तों, बोर्ड यहां पर यह कह रही है कि 31 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में एक और पोर्टल खुलेगा फोटोकॉपी का, यानी कि अभी आपकी कॉपी जो है यहां पे रीवेरिफिकेशन हो चुकी है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे नंबर कम हो सकते हैं, देना आप लोग दोस्तों लोग जो है अपना कॉपी को जो है पूरी कंप्लीट दोस्तों कॉपी की पीडीएफ को मंगवा सकते हैं। बोर्ड दोस्तों यहां पे आपको जो है फोटोकॉपी जो है आपकी पूरी आंसर शीट की फोटोकॉपी देगी, चेक किया हुआ जो पूरी आंसर शीट है उसकी फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड कराएगी। फिर जो है आप लोग खुद से जाके चेक कर सकते हैं, स्कूल में टीचर से चेक करवा सकते हैं या फिर आप जहां ट्यूशन में पढ़ते हैं वहां से चेक करवा सकते हैं। जब आपकी आंसर शीट आपके पास होगी तो आप खुद से मैनुअली चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे एक और आपको ऑप्शन दिया जाएगा यहां पे आपको पर क्वेश्चन को चेक करवाने का, यानी कि आप जब आप खुद से कॉपी को देख लेंगे उसके बाद आपको यहां पे लगेगा कि हां ये वाला क्वेश्चन जो है यहां पे गलत किया हुआ है या ये वाला क्वेश्चन में जो है इतने नंबर मिलने चाहिए इसमें कम नंबर मिला हुआ है, तो ये सारी चीज आप लोग देख लेंगे। तो 100 जो है यहां पे 100 रुपीज आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से आप फिर से जो है रीचेकिंग कराना चाहेंगे। अब मैं यहां पर क्यों कह रहा हूं कि इनजस्टिस है दोस्तों, इनजस्टिस इसलिए है कि सीबीएसई बोर्ड एक तो नंबर यहां पर बच्चों के काफी सारे नंबर बच्चों के कम कर रही है, काफी सारे बच्चे यहां पे खुल के शिकायत कर रहे हैं मेरे नंबर कम आए हैं, ऊपर से दोस्तों यहां पे कॉपी अभी आपने रीचेकिंग नहीं करवाया। काफी सारे बच्चे यहां पे डाउट में है कि मेरी कॉपी फिर से चेक हुई होगी पेन से चेक हुई होगी, ऐसा बिल्कुल भी आप लोग डाउट में मत रहिए, यहां पे डाउट में मत रहिए कि कॉपी आपकी दोबारा से चेक हुई है। एक रियलिटी आपको बताओ तो आपकी कॉपी यहां पे दोस्तों पेन को टच भी नहीं किया गया है, रीवेरिफिकेशन आपने करवाया है ना कि रीचेकिंग। रीचेकिंग दोस्तों सबसे लास्ट में होगा, आप लोग यहां पे देखिए सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड यहां पे बहुत चालू है, सीबीएसई बोर्ड पहले जो है इसका ऑप्शन नहीं दे रही बच्चों को, सबसे पहले आपको इसका ऑप्शन दिया गया है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन आप लोग कराएंगे, वेरिफिकेशन में होता क्या है आप लोग समझ लीजिए, आपने जो अभी जिन जिन बच्चों ने 16 से 20 के बीच में फॉर्म भरा था उनका हुआ क्या होगा एक्चुअली कॉपियों में, तो मैं आपको बता देता हूं सीबीएसई बोर्ड दोस्तों वेरिफिकेशन में यानी रीवेरिफिकेशन में क्या करती है, आपकी बिना पेन को यूज किए हुए एक एक पेजेस को बस पलट के देखा जाता है कि कैलकुलेशन में तो सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है, या फिर जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई क्वेश्चन जो है यहां पे चेक नहीं हुआ है, बस इतना कुछ देखा जाता है। कंप्यूटर में जो मार्क्स चढ़ा है वो यहां पे सेम है या नहीं सही में, यानी कि मार्क्सशीट में जितने मिले हैं कंप्यूटर पे जो चढ़ा है वो सेम है या नहीं सेम है, तो बस ये ऊपर का दोस्तों यहां पे जो है चेकिंग की जाती है। तो इसी के आपके 500 रुपए लिए गए हैं, काफी सारे बच्चों के नंबर बढ़े हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चों के नंबर दोस्तों यहां पे नहीं बढ़ा है, उसका मेन कारण है कि कॉपी आपकी बस ऊपर
ऊपर से यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेशन वगैरह देखी गई है। यहाँ पे जो है ऊपर ऊपर से पेजेस को पलट के देखा गया है। पेन से चेक आपको करवाना है तो पहले आपको फोटोकॉपी मंगवाना पड़ेगा। फोटोकॉपी के बाद जो है आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप में यानी 100 रुपए पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। तो ये है आपका कॉपी चेकिंग रीचेकिंग के लिए दोस्तों, ये है स्टेप। आप लोग यहाँ पे देखिए, काफी सारे बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं कि मेरी कॉपी फिर से चेक हुई है। ऐसा नहीं हुआ है, कॉपी दोबारा आपका चेक नहीं हुआ है, तभी आप लोग नंबर नहीं बढ़ रहे। क्योंकि अगर आपकी कॉपी दोबारा से चेक होगी उसमें आपको एक स्टेप नहीं, आपको दूसरा स्टेप पार करके तीसरे स्टेप में आप जाएंगे तभी आपकी कॉपी दोबारा से चेक होगी। पहले आप जो है आपको 31 तारीख एक और पोर्टल खुलेगा जहां पर आपको जो है फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें समझिए, मैं आप शुरू से तो इसका विरोध में था, उसका मेन कारण ये था दोस्तों कि यहां पे रीचेकिंग के लिए 1, 2, 3 स्टेप से गुजरना पड़ रहा था बच्चों को। आप लोग यहां पे देख चुके हैं मोस्ट ऑफ द बच्चों के रिजल्ट में यहां पे दोस्तों नो मिस्टेक लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी कॉपी जो है यहां पे दोबारा पेन से चेक नहीं हुई है, बस ऊपर ऊपर देखा गया है कि सारे क्वेश्चन चेक है या नहीं है, नंबर जो है दिया गया है नहीं दिया गया है, या फिर नंबर जो दिया गया है क्या उसको सही से कैलकुलेट किया गया है, सही से कैलकुलेट करके जो नंबर आया है आंसर शीट पे क्या वही कंप्यूटर पे चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। तो बस ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे की गई है। अभी आपकी कॉपी यहाँ पे दोबारा से चेक नहीं हुई है, ये बस है ऊपर ऊपर का वेरिफिकेशन इसे कहते हैं। एक बार जो है वेरीफाई किया गया है कि सब कुछ ठीक है नहीं ठीक है, बस इतना काम किया गया है। उसके लिए आपसे यहाँ पे 500 रुपये लिया गया था। अब दोस्तों आपको दोबारा से दोस्तों अगर आपको यहाँ पे लगता है, फिर भी दोस्तों आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरे नंबर कम आ गए हैं, मैं अपनी कॉपी को देखना चाहता हूं, मैं खुद से अपनी कॉपी को देखना चाहता हूं, देन दोस्तों आपको फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों पोर्टल यहां पे खुलने वाला है 31 तारीख से। इसके लिए जो है 500 रुपए 10th को और 700 रुपए जो है 12th को देना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए। अब दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चीजें यहां पर चल रही है। अब ये दोस्तों कितना ज्यादा सही है, ऐसे में दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बोर्ड से मेरा रिक्वेस्ट यहां पर अगेन होगा हाथ जोड़ के कि बच्चों की फीस को कम की जाए, क्योंकि अभी ऑलरेडी बच्चे यहाँ पे 500 दे चुके हैं और बच्चे कोई और अगला स्टेप पे जाएगा तो उनको फिर से 500 रुपए देना पड़ जाएगा। तो ये काफी ज्यादा हो जाता, मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड को दोस्तों यहाँ पे जो है एक अमाउंट कर देना चाहिए था तीनों का, वो रीजनल अमाउंट कर देना चाहिए था। अगर 500 ले रहे हैं तो 500 में तीनों चीजें होनी चाहिए थी, तो ये करना चाहिए था बोर्ड को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे में बोर्ड से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज इनको थोड़ा सा हेल्प की जाए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ टोटली इनजस्टिस हुआ है उनके मार्क्स के साथ, उनको सिर्फ एक नंबर से 2 नंबर से कंपार्टमेंट दिया गया, तो काफी बड़ा इनजस्टिस है। इसको लेकर दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बोर्ड से मेरा अगेन रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज इनको जो है थोड़ा सा यहां पे रिलैक्सेशन दी जाए एडमिशन में। इसको लेकर दोस्तों यहां पे मैंने ट्वीट भी किया है, तो दोस्तों बस आप लोग सपोर्ट दिखाइए। और आगे दोस्तों मैंने आपको बताया एग्जाम को लेकर काफी कम टाइम है, तो अपनी स्टडी पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से करते रहिए। और काफी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर काफी सारे सैंपल आपको मिल जाएंगे, तो वो सारी चीजें देख लीजिएगा। अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, आगे बोर्ड को लेकर दोस्तों आगे जो भी अपडेट्स होगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, जय हिंद।